उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए राम मनोहर लोहिया आवास योजना बनाई ताकि इन गरीब परिवार के लोगों को पक्का आवास मिल सके, परंतु उत्तर प्रदेश श्रावस्ती ब्लॉक हरिहरपुर रानी के ग्राम झुंझुनिया के निवासी राम गोपाल सहित 25 परिवार के लोगों को राम मनोहर लोहिया आवास न मिलने के कारण इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर, परेशानी यहाँ हो रही है, यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। सर, यहाँ गांव में हमारा जो सन 2015 में लगा है लोहिया में, सर कोई प्रधान यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा है। सर, दिक्कतें ये होती है, जो बारिश होती है खाना बनाने में तकलीफ होती है, बच्चे नहीं रह सकते हैं सर मड़ई में, हवा चलती है तो फूस उड़ जाता है सर, सारे बच्चे की भी कपड़ा भीग जाती है सर, व्यवस्था कर नहीं पाते हैं। मजदूर आदमी है सर, कहीं मजदूरी भी लगती है एक दिन के लिए, कहीं लगती भी नहीं है तो क्या खा ले सर, क्या तुम्हें बचा ले। परेशानियाँ यही है सर कि हमारे यहाँ मौजे में कुछ भी आता है तो यहाँ कोई मिलता नहीं, कोई समस्या सुनाओ तो यहाँ कहते हैं लोग कि यहाँ कटान में लगा हुआ है गांव झुंझुनिया, यहाँ में कोई कार नहीं होगा, तो इसलिए चाहते हैं हम कि यहाँ हम 25 लोग को लाभ मिलना चाहिए। लोहिया आवास मिलने से बहुत फ़ायदा है साहब, कि बाढ़ बहिया तूफान आंधी तूफान आ जाए तो हमारे बाल बच्चे उसी में घुस जाए, बच्चे हैं तो रोटी पानी बाल बच्चे सभी सुख से रहे हैं। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन 25 गरीब परिवार के लोगों को राम मनोहर लोहिया आवास बने ताकि इन गरीब परिवार के लोगों की समस्याएं दूर हो सके। मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग हरिहरपुर रानी के ब्लॉक के विकासखंड अधिकारी का मोबाइल नंबर 99197933 पर कॉल करके दबाव बनाए और हमारी मदद करें। मैं रईस अहमद, उत्तर प्रदेश जिला श्रावस्ती, इंडिया अनहार्ड के लिए।